हेलो प्यारे बच्चों, रुद्राक्ष सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे। और लॉकडाउन कैसा चल रहा है, लॉकडाउन में क्या क्या कर रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्यारे बच्चों, आज हम शायद तक सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के पार्ट फोर्थ में एंट्री कर चुके हैं, तो मैं नेक्स्ट रूल आपको बताने जा रहा हूँ, मन लगा के पढ़ना। नेक्स्ट रूल, अगला रूल क्या कहता है, ये कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने कुछ स्पेलिंग्स रखी है, इन सब को तुम ध्यान से पढ़ो। बिनोकुलर्स, इसका मतलब होता है दूरबीन, नाम सुना होगा। सीजर्स, इसका मतलब होता है कैंची। क्लीपर्स, इसका मतलब होता है कैंची, और ये कैंची होती है नाई वाली कैंची, और ये कैंची किसकी होती है, दर्जी वाली कैंची। गॉगल्स, चश्मे धूप वाले, आपको पता होगा। पिंसर्स, हाँ पिंसर्स, नाम याद आया, चींप यो घर है चिमटा। स्पेक्लर्स, इसको कहते हैं धूप के चश्मे, ये भी चश्मा ही होता है, लेकिन ये नज़र का होता है, और ये जो गॉगल होते हैं ना, ये धूप के चश्मे। टंग्स, संडासी। प्लास, जीन्स पैंट्स, ट्राउजर्स, पजामास, सॉक्स, शूज। और लो, मैं इतने सारे वर्ड बोले, अब आप सोचोगे सर ने ये वर्ड क्यों बोले, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। विद अबोव वर्ड्स वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब, ऊपर दिए हुए शब्दों में हमेशा हम वर्ब प्लूरल ही यूज करेंगे। देखो बेटा, बिनोकुलर्स, दूरबीन है, भले किसी की एक आँख फूटी हुई हो, लेकिन दूरबीन जब वो आएगी ना, वो दोनों आंखों के लिए आएगी, वो पेयर्स में आएगी, उसका एक जोड़ा होगा, तो उसमें प्लूरल वर्ब भी आएगी। कैंची, अब भले कैसी भी कैंची हो, उसमें वो दो भाग होते हैं, क्या एक भाग कैंची का कभी काम आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये भी इसका भी पेयर होता है। क्लिपर्स, इसका भी पेयर होता है। गूगल चश्मे का भी, अब किसी के एक आँख काम नहीं कर रही है, लेकिन चश्मा तो दोनों आंखों का है गूगल्स, तो ये हमेशा प्लूरल में आएगा। पिंसर, चिमटा, क्या चिमटे की एक पाती से कोई हम किसी चीज़ को पकड़ सकते क्या, नहीं पकड़ सकते, तो उसमें उन दोनों पेयर्स का होना ज़रूरी है। इसमें मतलब चश्मे में भी दोनों होना जरूरी है, संडासी में उसके दोनों भाग होने जरूरी है, तो ये हमेशा प्लूरल ही जाएगा। प्लासर, जीन्स, अब जीन्स है, अब ऐसी तो हो गई नहीं किसी की एक टांग टूटी हुई है, तो लेकिन जीन्स के दोनों टांग बने हुए आएंगे ना, तो ये हमेशा प्लूरल में आएगा। पैंट्स, ट्राउजर्स, पजामास, और अपन हमेशा वो गलत बोलते हैं पजामो, अरे बेटा वो पजामा में तो वो सिर्फ पजामा का एक भाग ही आता है, हमको यदि सही बोलना है तो पजामाज होता है। सॉक्स, मुझे किसी का एक पैर नहीं है, लेकिन मोजो का तो एक पैर पूरा आएगा, जोड़ा आएगा। और सूज, इसका भी एक पैर। अबोध, इन तमाम वर्ड में हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे देखो, दीज बेनोकुलर्स, ये दूरबीन वेरी कॉस्टली। अब आप यहाँ पर फटाक से इज आर एम में क्या भरोगे, आर भरोगे। क्यों भरोगे, क्योंकि ये बिनोकुलर ये वर्ड आया हुआ है, और ये कैसा होता है दूरबीन, दूरबीन हमेशा प्लूरल में इज काउंट होती है। सीजर्स का मतलब क्या है, कैंची, कौन सी, दर्जी वाली। लेइंग अंडर द टेबल, अब यहाँ पर तुम फटाक से आर भरोगे, इज नहीं भर सकती। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये वर्ड आपको याद करने इसके अलावा है ना, मतलब ये वर्ड याद करोगे तो आपको एग्जाम में से इनमें से यदि कोई सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इनमें से कोई ना कोई जरूर देखने को मिलेगा। और इसमें एक नोट ध्यान रखो, इफ़ वी यूज अ पेयर ऑफ बिफोर अबव इन दिस इन दैट केस, ये इतने वर्ड है, इन वर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन आया, लेकिन उनसे पहले इन वर्ड से पहले अ पेयर ऑफ लिखा हुआ आया गया, तो हमेशा ऐसी सिचुएशन में जो वर्ब होगी ना, वो सिंगुलर आएगी। भली बेनोकुलर से, लेकिन उससे पहले क्या आ गया, अ पेयर ऑफ आ गया, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। जैसे मैं आपको बताऊं, अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची का एक टुकड़ा। अब देखो, सीजर्स वर्ड आया, आपका फटाक से दिमाग जाएगा कि इसमें हमेशा वर्ब प्लूरल ली जाएगी, लेकिन आप ये ध्यान करो, इससे पहले अ पेयर ऑफ आया, अ पेयर ऑफ, आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो इसमें हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज। क्या यहाँ तक कोई समस्या, यदि हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट रूल है, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था, एक बार फिर से बताता हूँ, ये है नेक्स्ट रूल। इसमें मैनी होता है, एक तो एक मैनी ए, एक मैनी एन, और एक होता है मच। पहले देखो, पी सी एन पी वी, ये क्या है,
पीसी होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैंने का प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन में होता है। पीवी और इसमें हमेशा जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्बीज आएगी। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनेक। ओके, मैनी ए और मैनी एन ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आते हैं और इसमें जो वर्ब यूज होती है वो भी सिंगुलर वर्ब यूज होती है और इसको भी हिंदी में क्या कहते हैं, अनेकज कहते हैं। और अब देखना ध्यान, मच, मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं वही सिंगुलर या प्लूरल होते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नहीं सॉरी हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होते हैं और इसके साथ जो वर्ब यूज होती है वो भी सिंगुलर वर्ब ही जाती है। अब देखो मैं इसके एग्जांपल्स पे आता हूँ। पेट्रोल, पहली बात मुझे ये बताओ क्या पेट्रोल आपके सामने काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। अब एग्जैक्टली अनकाउंटेबल नाउन है, पेट्रोल को हम गिन तो सकते नहीं, एक पेट्रोल, दो पेट्रोल, तीन पेट्रोल, नो, हम क्या करेंगे, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा क्या आता है, मच आता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, मच पेट्रोल। और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या करोगे, इज, इज आ रहे में से क्या भरोगे आप, इज इज भरोगे। अब यहाँ पर मच क्यों आया, क्योंकि पेट्रोल अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ हमेशा वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर है। अब आगे चलो, बॉयज प्लूरल एंड गर्ल्स ये भी प्लूरल। अब देखो प्यारे बच्चों, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, तो यहाँ पर मैं नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि मैनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो मैंने लगा दिया मैनी। और इसमें हमेशा वर्ब कैसे आती है, प्लूरल, तो मैंने लगा दिया आर। क्या यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे वाला देखो, बॉय, ये सिंगुलर है, मैंने बॉयज़ नहीं लिखा, ओनली बॉय, इंटेलिजेंट इन दिस क्लास। अब आप इस आर में से क्या भरोगे, तो अब आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, एक तो मैनी ए आता है, एक मैनी एन आता है। बॉय से पहले आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा, यदि सही ढंग से ध्यान नहीं तो मेरा आर्टिकल वाला भी वीडियो देख लेना, तो हमेशा बॉय के साथ ए आता है। तो यहाँ पर आप क्या भरोगे, मैनी, इससे लिखूँ अच्छा दिखेगा ना, मैनी ए बॉय। अब इसमें हमेशा जो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्या भरूँगा मैं, इज। क्या यहाँ तक कोई समस्या। अब देखना ये वाला, अब आप मुझे सही करके बताओगे, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने लिख दिया, इसमें तो ओनली था बॉय मेरी तरफ से, इसमें मैंने लिख दिया अ बॉय। अब तुम वर्ब कैसे यूज करोगे, नहीं सॉरी, अब तुम मैनी अ यूज करोगे या मैनी, ओनली मैनी यूज करोगे या मैनी एन करोगे। अब देखना अ तो ऑलरेडी आ गया, तो अब आपको यहाँ पर यूज क्या करना, ओनली फॉर मैनी। अब आप कहोगे सर जी जहाँ मैनी यूज होता है वहाँ पर तो प्लूरल वर्ब आती है, अरे गरीब, बॉय से पहले अ आर्टिकल आया है तो यह मैनी ए का रूल लगेगा और मैनी ए में हमेशा वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर इज लगाया आपने। आगे देखो एनिमी, अब देखो एनिमी शत्रु, एक दो पाँच दस, अपन गिन तो सकते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने एनिमीज तो नहीं लिखा, ओनली एनिमी है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। क्या इससे पहले ए एन कुछ आया, नहीं आया। अब एनिमी, एनिमी जो भी है, अब इसको अपन ए से डिनोट करते हैं तो इसमें हमेशा एन आएगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मैनी एन, और वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। बात सिंगुलर आए, सिंगुलर है। ओके प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तो कोई समझ नहीं आया तो बता देना, नेक्स्ट रूल पे आओ, कम ऑन हरी। अब नेक्स्ट रूल ये कहता है, ओके हाँ, नेक्स्ट रूल है नाउन प्लस प्रीपोजिशन फिर नाउन। एक तो बीच में क्या है, प्रीपोजिशन है, उससे पहले भी नाउन और उससे बाद में भी नाउन, लेकिन इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कहती है, स्पेलिंग एंड मीनिंग ऑफ बोथ द नाउन्स मस्ट बी, स्पेलिंग एंड मीनिंग बोथ द नाउन्स ऑफ मस्ट बी सेम। स्पेलिंग मतलब वो वर्तनी और उसका अर्थ, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। वो जो नाउन की जो आती है ना वर्तनी या मीनिंग, उसका स्पेलिंग भी सेम है और मीनिंग भी सेम, मतलब वर्तनी भी सेम है और अर्थ भी सेम है। और तो समझ आयो आपने। आगे देखो, बोथ द नाउन्स मस्ट बी सिंगुलर, और उसकी दूसरी शर्त क्या है कि जो दोनों नाउन है उसकी वर्तनी और मीनिंग सेम है, ये तो पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है, दोनों नाउन हमेशा होने कैसे चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। जैसे देखना, देखो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा टाउन, फर्स्ट नाउन, ओके, फिर टाउन, सेकंड नाउन, बिल्कुल दोनों की मीनिंग सेम है, बिल्कुल सेम है दोनों का। टाउन का मतलब कस्बा, अर्थ भी सेम है, ओके सेम है।
और बीच में आफ्टर प्रीपोजिशन आया, बिल्कुल प्रीपोजिशन आया। अब देखो यदि ये दोनों सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमेशा वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब इज यूज होगी। तो टाउन आफ्टर टाउन इज डेवास्टेटेड, इसका मतलब होता है उजड़ा हुआ, कस्बे के बाद कस्बा, हर एक कस्बा उजड़ा हुआ है। तो अब मैंने यहाँ पर इस रूल में आपको क्या समझ में आया, जब दो सेम नाम होते हैं उनकी स्पेलिंग सेम होती है, उसकी मीनिंग सेम होती है, और वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। अब आगे चलो, मैन आफ्टर मैन, बीच में प्रीपोजिशन आया आफ्टर, बिल्कुल आया, उससे पहले मैन, मीनिंग सेम, अर्थ भी सेम, मैन मैन दोनों का मीनिंग सेम, अर्थ सेम, और दोनों सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, इज, सिंगुलर वर्ब इज आएगी, इज गोइंग टू एयरपोर्ट। अब देखो मैं यहाँ पर इसी को घुमा रहा हूँ थोड़ा, आप बताना, ऑटो दिखाना, ऑटो दिखे, मैन आफ्टर मैन, अब यहाँ पर खाली जगह आएगी, अब तुम क्या भरोगे बेटा, बेटा यदि ऐसा कोई सेंटेंस होगा तो वो सेंटेंस इज गलत होगा। ये क्या है, प्लूरल है, एम ई एन होते ही प्लूरल हो गया, और ये भी प्लूरल है, तो इसमें आप कभी सिंगुलर वर्ब भर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसकी शर्त क्या कहती है, ये हमेशा होना कैसा चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। आगे देखो, शिप फर्स्ट नाउन, उसके बाद में आफ्टर प्रीपोजिशन, उसके बाद में सेकेंड नाउन शिप, दोनों का अर्थ सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों सिंगुलर है, तो यहाँ पर आप क्या भर लोगे, इज। और यदि ऐसा, यदि वो प्लूरल उसके बाद में ऐसा कुछ हो तो ये गलत होगा। ओके प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी समय इसी के साथ भावेश सांकला के साथ। बाय बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।